दमोह जिले की मलियाघाट चौकी अंतर्गत हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल अवस्था में इलाज करा रहे हैं। दरअसल इमलियाघाट चौकी अंतर्गत आने वाले लकलका और डोहली के बीच 2 बाइक सवारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर 3 लोग सवार थे तो एक बाइक पर 2 लोग सवार थे। जोरदार टक्कर के बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक घायल को जबलपुर रेफर किया गया, वहीं 4 लोगों को इमलियाघाट चौकी के वाहन में दमोह के जिला अस्पताल लाया गया। दमोह के जिला अस्पताल में लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल में ही इलाज दिया जा रहा है। इस मामले पर इमलिया चौकी प्रभारी ने विस्तार से जानकारी दी, वहीं उनके परिजनों ने भी जानकारी दी, तो जो डॉक्टर हैं जिनके द्वारा इलाज किया गया उनके द्वारा भी विस्तार से मामले की जानकारी दी गई है। मालूम हो कि तेज़ ठंड के बीच लगातार रफ्तार का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में इमलियाघाट चौकी अंतर्गत लकलका और डोहली के बीच 2 बाइक सवारों के बीच हुई भीषण भिड़ंत और जोरदार ठंड के चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं जिनमें से एक व्यक्ति घायल अवस्था में इलाज करा रहा है जबलपुर में, तो एक व्यक्ति का इलाज दमोह में किया जा रहा है। कुल मिलाकर 5 लोग इस हादसे में घायल हुए थे, जिसमें 3 की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से अपना इलाज करा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए लाया गया, वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़, दमोह। राम लाल बालक है, मोटर की मोटरसाइकिल से लड़ गए अपन का सब अपने घर है। कितनी मोटरसाइकिल थी, कितने लोग थे? 3 जने थे। कौन कौन मोटरसाइकिल, मतलब एक मां से जा रही थी, एक मां से आ रही थी। आमने सामने से बड़े आमने सामने से बड़े का है, अपन तो घर पर ही थे। कितने लोग थे टोटल? 3 जने थे टोटल। कौन कौन थे? 2 जने था ही और रामलाल। आपके कौन है? बालक है रामलाल। क्या नाम है पूरा? रामलाल यादव। कहाँ पर भिड़े हैं? मान लीजिए क्या स्थिति अभी, कौन कौन? अब स्थिति उनका है, अब तो बड़ा बड़ी स्थिति है।
रामलाल के साथ जो दो जन थे वो कैसी स्थिति में? उनकी भी स्थिति गड़बड़ है, ठीक है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? हमारा ईश्वर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? एक पेशेंट आया था आईटीए का, तो क्रिटिकल कंडीशन में था, सैचुरेशन फॉल हो रहा था उसका, तो उसको जबलपुर रेफर किया गया है। उसके बाद से चार पेशेंट आए थे जिनमें से एक स्टेबल है और तीन ब्रॉड डेड थे। ये आईटीए के हैं सारे केसेस। सर कौन कौन है सर, कुछ जानकारी? रामलाल हैं, राजेंद्र, पप्पू, बेलन और कीरत हैं। इनमें से कौन है? इसमें से डेलन जो थे पहले आए थे इनको रेफर कर दिया गया था, बाकी तीन ब्रॉड डेड हैं और एक पेशेंट का भी स्टेबल है, उसको देखा जा रहा है। क्योंकि प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ, आज रात हमें सूचना मिली कि लकलका और डुहली के बीच में दो मोटरसाइकिल आमने सामने बढ़ गई हैं। मौके पर गए तो रत्नेश यादव निवासी बिजौरी, डेलन लोधी निवासी सोहेला, तीरत लोधी सोहेला का और रामलाल यादव बिजौरी की, और जो वहाँ पर दो बाइकें पड़ी थी और पांचों घायल चली थी, जिनको अपनी गाड़ी में जिला अस्पताल दमोह लाए। जो कीरत लोधी सोहेला का, रामलाल यादव बिजौरी का और राजेंद्र यादव ये बिजौरी का, ये ख़त्म हो गए। डेलन यादव जबलपुर चला गया है और जो पप्पू आदिवासी है वो घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है।